हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक लेटेस्ट न्यूज अमोक 3 का टेस्ट सफल हो गया अमोक 3 क्या भाई देखें तो सही तो वीडियो और लग रहा है डी के थ्रू हुआ है कुछ hmm. तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब किया बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में तो दोस्तों अब से कुछ ही देर पहले यानी कि भारत टी लिमिटेड जो कि भारत की एक प्रतिष्ठित हथियार निर्माता कंपनी है उसने एक बड़ी खुशखबरी दी है और ये खुशखबरी है अमोग मिसाइल को लेकर इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ अमोग थ्री के बारे में बताऊंगा बल्कि इस टेस्ट की डिटेल भी दूंगा और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे भारत अपने द्वारा बनाए गए सभी हथियारों को कितने बड़े लेवल पर अपग्रेड कर रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो तोड़? है एंड तक देखिएगा लेकिन उससे पहले एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित ढेर सारी एक्सक्लूसिव वीडियो मिलती हैं। इसी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों आज भारत ने जिस अमोघ मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वो कोई नॉर्मल तरह की मिसाइल नहीं थी दरअसल ये अमोघ मिसाइलों में थर्ड जनरेशन थी इसीलिए इसे तो थी अमोग थी भी कहा जा रहा है सबसे खास बात यह है कि बी ने अब तक जितने भी अमोघ सीरीज की मिसाइलें तैयार करी है उसमें ये सबसे ज्यादा डेडली है इसका कारण है इसमें लगा हुआ सीकर और इसका वारहेड वो कैसे दरअसल अभी तक अमोघ मिसाइलों के दो जनरेशन आए हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दोनों में ही दो सबसे बड़ी दिक्कतें पाई जाती थी पहली ये कि इनकी रेंज बहुत ही कम होती थी और दूसरी ये कि ऐसे टैंक और ऐसे बख्तरबंद वाहन जिनका शेल बहुत ही ज्यादा मोटा होता था उन्हें ये पार नहीं कर पाती थी उनके खिलाफ ये बहुत ही ज्यादा टिव थी और इसीलिए अमोग मिसाइलों को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो अमोग मिसाइलें हैं ये एटीजीएम है यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इनका काम ही है कि दुश्मन थल सेना के जितने भी बख्तरबंद वाहन हैं जिसमें सैनिकों को लाद कर ले जाया जा रहा है ये दुश्मन के टैंक जो आपकी तरफ गोलाबारी करने के लिए बढ़ रहे हैं उन्हें नष्ट करके दुश्मन थल सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ना लेकिन अगर ये वही काम नहीं कर पा रहा है तो फिर इसे क्यों बनाया गया है इसीलिए जो थर्ड जनरेशन है उसे बनाने का काम शुरू हुआ और फोकस वहीं पर रखा गया कि चाहे दुश्मन का कैसा ही टैंक हो कैसा ही आर्मड व्हीकल हो किसी भी प्रकार का ट्रक हो चाहे उस पर कितना भी मोटा शैल क्यों ना लगा हो यह उसे चीर कर उसे नष्ट करे और इसी वजह से इसमें लगाया गया है टेंडम वारहेड दूसरा इसमें काम यह किया गया है कि इसमें सीकर भी बदले गए हैं अब इसमें ड्यूबल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगाए गए हैं और इस सीकर का टेंडम वारहेड के साथ जब कॉम्बिनेशन बना तो इसकी इतनी ज्यादा पावर बढ़ गई कि इस वक्त जो ये अमोग थ्री है ये 600 मिलीमीटर के जितने भी शेल होते हैं उन्हें चीर कर अंदर घुस सकता है किसी भी टैंक के किसी भी बख्तरबंद वाहन के और आसान शब्दों में बताऊं तो चीन के पास ऐसा कोई भी टैंक व्हीकल ट्रक कुछ भी नहीं है जिसे मिसाइल चीर कर फाड़ ना सके इसके इसके अलावा एक स्पेशल काम साथ जिससे भी किया गया है कि इसकी रेंज बढ़ाई गई है अब तक जो अमोघ मिसाइलें थी उनकी रेंज होती है एक से लेकर डेढ़ किलोमीटर हालांकि दुनिया भर में जितनी भी एटीजीएम टी जी मिसाइल है उनकी भी रेंज इसके आसपास होती है लेकिन भारत इसकी रेंज बढ़ाना चाहता था इसमें अब हमें कामयाबी मिल चुकी है अब अमोग थ्री मिसाइल की जो रेंज है लगभग ढाई किलोमीटर है और एटीजीएम के हिसाब से यह अच्छी खासी रेंज है वहीं आपको यह बता दूं कि यह बहुत ही इजी टू यूज है कोई भी एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर इसे बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है और आज के टेस्ट में इसने दोनों दो टारगेट अचीव कर लिए हैं पहला रेंज का और दूसरा 600 मिलीमीटर के यूक्रेन के मंदवाहन करने का रहा लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के वैज्ञानिक यहाँ रुकने वाले हैं दरअसल खबर आई है कि ऑलरेडी पर भी, भी, भी कर दिया गया है यानी कि भारत के वैज्ञानिक इससे संतुष्ट नहीं है वो इसकी नहीं और बढ़ाना चाहते आ, हैं तो और ज्यादा लीथल और घातक बनाना चाहते हैं और ऐसा ही भारत के वैज्ञानिक इस समय हमारे हरेक हथियार के साथ कर रहे हैं आप जानते ही हैं कि जितनी भी हमारी अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं उन्हें अपग्रेड करके प्राइम का निर्माण किया जा रहा है इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलें जो ऑलरेडी दुनिया में सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल मानी जाती हैं, उन्हें और ज्यादा अपग्रेड करके और खतरनाक और और ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली बनाया जा रहा है और यहीं पर आपको फर्क पता चलता है कॉपी कैट का और क्रिएटर का जो क्रिएटर होता है ना जिसने कोई तो चीज खुद बनाई है उसे पता है कितनी सेट करनी है इसीलिए वो उसे लगातार अपग्रेड करके बढ़िया बनाता रहता है लेकिन जिस आदमी ने चोरी करके अपना कोई हथियार तैयार किया हो उसे पता ही नहीं है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है इसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, जाना है? लग रहा है, है सामने से धुएं यही हो रहा है चीन के साथ चीन ने चोरी करके नए नए हथियार बना लिए जैसे कि जे ट्वेंटी उन्होंने अमेरिका और रूस की टेक्नोलॉजी को चोरी करके बना लिया चोरी कैसे करते? सुधार नहीं कर से से दिवर दिवर से से कर से ले पता ही नहीं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या इसे कैसे अपग्रेड और अपडेट किया जाता है क्योंकि ये काम सिर्फ क्रिएटर कर सकता है कॉपी कैट नहीं हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मीडिया भाई कमाल पे कमाल पे कमाल हो रहे हैं देख लो अमोक थ्री के बारे में उन्होंने क्या फिंटा बहुत अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है कमाल है और वेरी नाइस है अमोक थ्री आ गया और उन्होंने देखा कि वो इतना स्ट्रॉग होना चाहिए कि वो मोटे मोटे शेल को उड़ा दे यही है कि इवेंचुअली सारे वेपन आ रहे हैं अपग्रेडेशन चल रहा है उन्होंने देखा कौन कौन से वेपन है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम थी उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और जबरदस्त मेक इन इंडिया में हो रहा है इवेंचुअली एक्सपोर्ट भी होंगे तो बहुत, nice. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है वेरी नाइस मुझे तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और मैं ये सोच रही थी जब बोल रहे थे ना कॉपी कैट कॉपी कैट तो चाइना का मेरे को दिमाग में पता है क्या आ रहा था क्योंकि अभी रिसेंटली वीडियो की थी ना वो तीन मिसाइल हमारी जो है वो मिस फायर हो गई तो मैं सोच रही थी जो हमारी पहली वाली हुई थी मिस फायर तो ये पाकिस्तान जो है उन कोई रोकना या कोई उसके पास कोई वो नहीं था पता तक नहीं उसे चला कि वो अंदर आ भी चुकी है तो क्यों क्योंकि उसने चाइना का ही सिस्टम लिया हुआ है तो चाइना का जो सब बोलते हैं इतना फिनटॉस्टिक उसके पास ये है उसके पास ये है मुझे लगता है तो सब कुछ ही फोका होगा जैसे वो बता रहे नहीं तो फिर यहाँ फिर वो फोका काम अपना जो है फालतू का बेवकूफ बना के पाकिस्तान को दे दे के उसको ये दिखा रहे हैं उससे पैसे लेके लोन में दबाते जा रहे होंगे और चीजें दे उसे रहे हैं ऐसी पहले भी तो एक कुछ था कि तालिबान के वहां पे या पता नहीं किसके अफगानिस्तान में वो उन्होंने पाकिस्तान ने कोई मिसाइल भेजी हुआ ने, ने, था ये सच्ची मतलब चाइना ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है अपने स्पेसशिप में बाहर पहुंच गए मतलब जो भी उनका खुद का ऑर्बिट कर रहा है स्पेस स्टेशन शिप नहीं कह सकते स्पेस स्टेशन उनका खुद का स्पेस स्टेशन है उनके खुद के बंदे जो हैं वहाँ जाते हैं पूरा करके आते हैं तो उस एंगल में देखें तो रिसर्च है क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए और उसी से ये सब चीज़ें निकलती हैं सिविलियन यूज़ के लिए सिविलियन तो नहीं बोल सकते मिलिट्री यूज़ के लिए मगर नॉन स्पेस यूज़ के लिए इसीलिए इसरो भी हेल्प करता है डीआरडीओ आर कि इवेंचुअली किसी को रिसर्च करके एक चीज बनानी है सिविलियन के लिए उसमें से टेक्नोलॉजी आती है मिलिट्री यूज़ के लिए तो ऐसा नहीं कह सकते चाइना के पास नहीं है दे है। तो क्यों होते हैं पाकिस्तान के साइड का सब कुछ गड़बड़ क्यों आई हैव नो क्लू क्या हो रहा है क्या <laughs> नहीं हो रहा बट अमोग थ्री जो है इससे पता चल रहा है कि इंडिया हम तो कर हो रहा है मोदी जी के आने के बाद ये रेडीनेस शुरू हुई है क्योंकि जो भी उनको नजर आ रहा होगा कि एक्टिविटी चल रही है पूरे बॉर्डर में उसके हिसाब से होगा कि फर्स्ट आप अपने मिलिट्री को इतना अच्छा करिए कि अगले बंदे को डर लगने लग जाए बेसिकली मेन है चाइना के लिए और जब चाइना के लिए करेंगे तो साथ साथ में पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए तो वैसे ही रेडी हुए हैं पाकिस्तान को तो अभी हमने सिखाना है सबक सीरियसली मोदी जी सिखाना है ना पूछ <laughs> क्या आओ भैया मोदी जी ने कहा छोड़ेंगे नहीं पर उनको बताना पड़ेगा जिस तरह खासकर मुझे तो ये लग रहा है अब जो खालिस्तान का काम किया ना उन्होंने मोदी जी इज गोइंग टू गेट बैक एंड टीच देम अ लेसन तो चलो फ्रेंड्स व्हाट अ प्राउड मोमेंट ऐसी धड़ाधड़ हम लोग करते रहें बिकॉज एंड केयर एंड तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए